नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड का पोर्नोग्राफी किंग राज कुंद्रा तो ग्रेट गैम्बलर निकला, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। कुंद्रा की जो काली दुनिया है उसका रहस्य अब पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। नया मसला आया है कि जिसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि राज कुंद्रा ने 2500 से 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, 2500 से 3000 करोड़ रुपए ये किसी सरकारी बैंक से इसने नहीं लूटे, ये गरीबों हिंदुस्तान की भोली भाली जनता के जेब में डकैती करके उनको झांसा दे करके ये पैसे उसने चट कर गए हैं। और अब ये मसला इस तरीके से तूल पकड़ रहा है कि जैसे ही ये जेल के अंदर गया है वो तमाम लोग अब सामने आ रहे हैं, वो ये चीख चीख के कह रहे हैं कि उन्हें कब ये न्याय मिलेगा, क्योंकि कुंद्रा ने एक गेम के ऐप से उन्हें इस तरीके से लूटा कि कई सारे लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। वैसे मानना पड़ेगा, पत्नी शिल्पा शेट्टी तू खिलाड़ी मैं अनारी फिल्म करती है, लेकिन रियल लाइफ में सबसे बड़ा खिलाड़ी सबसे बड़ा गैम्बलर ये राज कुंद्रा दिख रहा है। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी खबर आई है वो खबर ये आई है कि इनकी जो कंपनी है वियान इंडस्ट्रीज, उसके जरिए ये गैम्बलिंग किया करता था और लोगों को गैम्बलिंग के लिए प्रेरित भी किया करता था। क्या आपके पैसे बढ़ जाएंगे, आप इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए, इस गेम को खेलिए और उससे आपको कई गुना ज़्यादा पैसा फायदा होगा। और ये फायदा के चक्कर में कई सारे लोगों ने अपनी जीवन की कमाई इसमें लगा दी और ये पोर्नोग्राफी किंग राज कुंद्रा उनके पैसे लेकर के वो गायब हो गया और ये पता नहीं चल पा रहा था कि भाई ये कहाँ गया, किससे पैसा मांगा जाए। तो कई सारी चीज़ें हैं, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन मोटा मोटी जो आरोप लगाया गया है वो आरोप क्या है इसको जरा देखिए कि क्या खबरें आ रही है। राज कुंद्रा की वियान इंडस्ट्रीज के नाम पर एक कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर है। वियान कंपनी का एक ऑनलाइन गेम है, गॉड GOD गेम ऑफ डॉट्स नाम का ये खेल है। इसे वैध ऑनलाइन खेल बताया गया है, मतलब ये लीगल है। लोगों को बताया गया कि गॉड ऑनलाइन खेल है। वियान कंपनीज के लेटर हेड पर शिल्पा शेट्टी की तस्वीर का प्रमोशन के लिए इस्तेमाल होता था और ये भी बताया गया कि ये खेल सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस खेल में इनाम की राशि देने की बात कही गई। देश भर में कई सारे लोगों ने इस गेम को खेलना शुरू किया और अब मालूम चल रहा है कि उनके साथ ठगी हो गई। 2500 से 3000 करोड़ का घोटाला वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। ये राज कुंद्रा की ये ऑनलाइन ये जो गेम है इसमें लोगों को झांसा देकर के कई सारे लोगों को इसने तबाह और बर्बाद कर दिया। और जब से ये प्रोनोग्राफी का मसला सामने आया है, जब से वो जेल गया है, कई सारे लोग मुंबई के वियान ऑफिस पे वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो अपनी गुहार बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ छल किया गया, उनके जीवन की गाड़ी कमाई को इस शख्स ने लूट लिया। और ये सारे के सारे शुरू से ही ये तो IPL सट्टेबाजी पता नहीं क्या कौन सी ऐसी गलत आदत इसे नहीं थी, ये तो अब साफ साफ दिख रहा है। मालूम चल रहा है कि किसी से 30 लाख रुपए ले लिए, किसी से 40 लाख रुपए ले लिए, किसी से 2 लाख रुपए ले लिए और ये कहा गया कि भाई ये गेम खेलने के बाद आपको इनाम मिलेगा, आपको पैसे वापस हो जाएंगे, ज़्यादा आप कमा लेंगे। लोग भोले भाले होते हैं, उनको लगता है कि भाई ये बता रहा है कि भाई सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये कोई इल्लीगल काम नहीं है, ये सट्टेबाजी की तरह नहीं है, तो लोगों ने पैसे लगा दिए। और जब पैसे लगा दिए तो अचानक से ये सब के सब अपना बोरिया बिस्तर बांध करके गायब हो गए। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये कहाँ है, दफ्तर भी लोग आते थे तो पता चलता था कि यहाँ तो कोई नहीं है। आपको याद होगा कि इसके परिवार के लोग भी इस फर्म में, इस कंपनी में, वियान इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर थे। शिल्पा शेट्टी कोर्ट जा रही है, कह रही है कि हमारे माँ बाप को, हमारे परिवार को घसीटा जा रहा है, वियान में ही उनका कुछ स्टेक था। ये सारे लोग, राज कुंद्रा अगर वहां पे है, उसका डायरेक्टर है, तो आप इस आरोप से कैसे बच सकते हैं। मालूम चल रहा है कि भाई सारे लोग निराश हताश, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहां पे वो गुहार लगाएं। अब जब ये सामने आया है कि किस तरीके से इसने देश भर में अलग अलग जगहों पे महिलाओं को, लड़कियों को प्रलोभन दे करके, दबाव डाल करके, उनको ब्लैकमेल करके उनसे पोर्नोग्राफी का धंधा करवाता था,
तब से लोगों की हिम्मत भी आई है, लोगों को समझ भी आया है कि ये तो फ्रॉडस्टर्स नंबर वन है, ये किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग इसके साथ करीब आते हैं उनके साथ ये ठगी करता है। कई सारी लड़कियों की इसने जिंदगी बर्बाद की जिसकी वो सजा भुगत रहा है। लेकिन अब ये जो नया मसला आया है, इस मसले में तो इसके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई होगी। और कैपिटल टीवी ने बताया था कि किस तरीके से ईडी इस राज कुंद्रा के मामले में घुस आई है और शिल्पा शेट्टी भी अपने आप को ये जो पूरे इस प्रकरण से अलग करने की जो कोशिश कर रही है उसमें भी वो नाकामयाब होगी, क्योंकि कई सारे जो बैंक डिटेल्स आ रहे हैं, कई सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें ज्वाइंट अकाउंट्स हैं, जिसमें अफ्रीका से, जिसमें लंदन से, सिंगापुर से, कई सारे देशों से उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। और ये तो पहले से ही सट्टेबाजी को लेकर के, आईपीएल को लेकर के ये बदनाम था। और अब जो लोग सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई हमें तो कहा जा रहा था कि इस गेम का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे दे दो। कई सारे तिकड़म एक जो फ्रॉड का जो काम होता है कि लोगों को बरगला के, लोगों को छल करके आप उनसे पैसे ले लें और गायब हो जाए, तो ये काम और ये आरोप राज कुंद्रा के गले की फांस बनने वाली है। मालूम ऐसा चल रहा है कि जो स्थिति बन रही है कि पोर्नोग्राफी के केस से वो बाहर निकलेगा तो किसी और केस में फंस जाएगा, उस केस से बाहर निकलेगा मालूम चला सट्टेबाजी के केस में फंस जाएगा, सट्टेबाजी के केस से बाहर निकलेगा वो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के केस में अंदर चला जाएगा, महिलाओं के यौन उत्पीड़न केस से बाहर निकलेगा ये इस फर्जीवाड़े के केस में अंदर चला जाएगा। ये तो एक लंबी कहानी, लंबा सिलसिला दिख रहा है कि सेलिब्रिटी होने के कारण ये सारी चीज़ें अपने मनमानी ढंग से कर रहा था। और ये बात बार बार याद रखने की ज़रूरत है कि इस शख्स के, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, चाहे वो राज कुंद्रा हो, राजनीति के साथ इसका गहरा रिश्ता है। किस तरीके से सोशल मीडिया में, ट्विटर के ऊपर ये अपने आप को आदित्य ठाकरे का दोस्त बताता था, किस तरह से ये डिनर पे जाता था, किस तरीके से आदित्य ठाकरे भी इसकी वाहवाही किया करते थे, ये सारी चीज़ें ये दर्ज करने की बात है कि ये पुलिस और नेताओं के इशारों पे उसकी हिम्मत बढ़ी हुई थी कि इनकी दोस्ती थी। क्योंकि फरवरी में भी जो अब खबरें सामने आ रही है कि फरवरी के महीने में जब इसके शूटिंग के दौरान जब छापेमारी हुई तो उसके बाद इसने सचिन वाजे को पैसे दिए, क्राइम ब्रांच के लोगों को पैसे दिए, जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी तो रुकी ही रुकी लेकिन इसका काम धंधा चलता रहा। बताइए हिम्मत कहाँ से आती है कि पुलिस ने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया, आपके चार पांच लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया है और उसके बावजूद आपको इसका खौफ नहीं है कि फिर से पकड़े जा सकते हैं। उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे, उसी तरह के लोगों के साथ मिलकर फिर भी आपने ये शूटिंग जारी रखी। अभी जो 19 तारीख के आसपास जो गिरफ्तारी हुई है, फिर से जो छापामारी हुई, मालूम चल रहा है कि उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे, उसी तरीके से वहां पे पोर्नोग्राफी की शूटिंग चल रही थी जब पुलिस वाले पहुंचे। तो ये क्या माजरा है? ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, गृह मंत्री एनसीपी का है, सरकार उद्धव ठाकरे की है, दोस्त ये आदित्य ठाकरे का है। बड़ी खिचड़ी पकड़ रही है, ये छोटा मसला नहीं है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, यही तो राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ये 2500 करोड़ का आरोप लगाया है, लेकिन वो भी इस वियान इंडस्ट्रीज की जो है एक, वो आप कह सकते हैं कि उस पर इंडोर्स किया करती थी, उसके प्रचार प्रसार के सामग्री पे उनकी तस्वीरें होती थी, लोग यही कहते थे कि ये राज कुंद्रा की कंपनी है, ये शिल्पा शेट्टी की कंपनी है, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड की कंपनी है। तो कई सारे मसले इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये बात कि जो शिल्पा शेट्टी जो अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है, तो आज वहाँ से भी इन्हें दुत्कार दिया गया। हाई कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई थी कि मीडिया वाले, बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ स्टोरीज कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, इन्हें रोका जाए क्योंकि ये हमारी निजता का मसला है, हम लोगों ने आपस में क्या किया नहीं किया वो हमारे परिवार को भी घसीट रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ मीडिया में आ रही है। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि क्राइम ब्रांच के सूत्रों के आधार पर कोई खबर अगर छप रही है तो वो बकायदा किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं है। आपके पति एक आरोपी हैं, एक ऐसे
क्राइम में आरोपी हैं, जो हिंदुस्तान के कानून और साथ ही साथ हिंदुस्तान के समाज की जो नैतिकता है उस दोनों के हिसाब से वो एक जुर्म है, और इसलिए मीडिया के ऊपर लगाम लगाने का दुस्साहस कोर्ट नहीं करेगा और ना ही ये किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह का ब्लैंकेट बैन किसी के ऊपर लगाया जा सकता है। 29 कंपनियों के ऊपर, मीडिया कंपनियों के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि ये लोग हमारे प्राइवेसी को हनन कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, लेकिन कोर्ट से इन्हें आज भी झटका लगा है। अभी झटका लगने का तो सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे वो राज कुंद्रा हो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, और चाहे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के गैंग के वो तमाम लोग जो अश्लीलता परोस रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, इन सब की बारी आ रही है जेल जाने की, और इन सब के खिलाफ कोर्ट और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि फिर कोई राज कुंद्रा की तरह ये हिमाकत ना कर सके कि आप हिंदुस्तान की बहु बेटियों की इज्जत को स्क्रीन के ऊपर सरेआम नीलाम करें और उससे आप पैसे कमाएं। हमारी नज़र राज कुंद्रा की कहानी पे टिकी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।